लाजवाब पास्ता रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। गाइस, आज की रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब पास्ता। इसके लिए हमने यहाँ पर एक चम्मच तेल लिया हुआ है, रिफाइंड ऑयल, और इसमें हम बनाएंगे पास्ता सॉस। पास्ता सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, कुछ हरी सब्जियाँ हैं जिनसे हम पास्ता सॉस बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने जो है लहसुन, हरे लहसुन के पत्ते और हरी प्याज के पत्ते लिए हुए हैं, उनको हम बाद में डालेंगे। हरी मिर्च के साथ अदरक पेस्ट डालेंगे हम यहाँ पर 1/2 चम्मच, और उसी के साथ डालेंगे हम मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हम कम भून फेंकेंगे, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीज। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, चीज इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से बन जाए। लगभग इसको 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे पिज्जा पास्ता सॉस 2 चम्मच, और इसको भी मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे टमाटो सॉस लगभग 3 से 4 चम्मच। पेस्ट हमारा काफी अच्छा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी प्याज और लहसुन के पत्ते। इसको भी हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाइए ताकि जो हमारी गाजर है अच्छे से पक जाए। इसमें पकने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसको डालें, और अगर नहीं खाना है तीखा इग्नोर करें इसको। पास्ता ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता को हमने नमक और हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल करके बॉईल किया है और उसका पानी नहीं निकाला है। अब हम इसको हमारी जो ग्रेवी है उसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसको भी 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी पास्ता में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। गर्मा गर्म और लाजवाब पास्ता बनकर के रेडी है। गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए, और अगर मेरी पास्ता रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए तो हम गर्मा गर्म पास्ता को सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा पास्ता बना है।